हेलो फैमिली, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत हुई थी प्रिसा की मस्ती के साथ और हमें ना परसों जाना था सिंगारी। तो बहुत तेज़ बारिश आ रहा था मेरे यहाँ पे गोपालगंज में, बेतिया सब जगह, और इधर रोड बन रहा था तो गाड़ी इधर आ नहीं पाई थी। पता है बहुत दिनों के बाद बारिश आया था ना, तो उसके कारण क्या हुआ था कि जो वाटर लेवल था ना काफ़ी नीचे चला गया था, अब थोड़ा सा मेंटेन हो पाएगा। जब कुछ दूर आगे गए थे ना तो बच्चे बारिश के पानी में नहा रहे थे, तो ये देख के ना हमें बचपन के दिन याद आ गए थे। हम लोग ऐसा किया करते थे और बहुत मज़ा आता था। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे बेतिया, और बेतिया में भी वैसे ही बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। जब बारिश रुक गया ना उसके बाद से जो मौसम था एकदम मस्त हो गया था। और पता है ऐसे मौसम में गाड़ी का शीशा नीचे करके जो ट्रैवल करने में मज़ा आता है ना, एक अलग लेवल की खुशी होती है। फिर माँ गए थे भाभी के घर, और यहाँ से लेकर डैडी को निकलना था वापस गोपालगंज के लिए। और ये है नारायणी नदी जो कि नेपाल से आती है, पूरा पानी भरा हुआ था इसमें। आते के साथ सबसे पहले चले गए थे सैलून, उसके बाद से निकल गए थे पापा के साथ बाहर, कुछ काम था हमें। और पता है जब वापस हम लोग घर आए ना तो देखिए फ्रिज के अलग ही माहौल बना रखी है। जितना भी आम था ना कार्टन वगैरह में, सबको निकाल करके बाहर डाइनिंग टेबल पर सजा रहे थे कि ये काका खाएंगे, ये बाबा खाएंगे, ये डैडा खाएंगे, ऐसे करके। ऊपर आने के बाद ना बाबू डैडी के साथ मस्त इंजॉय कर रही थी, काफ़ी मस्ती कर रही थी। फिर कल शाम में चले गए थे चॉइस किचन, हम लोग का फेवरेट रेस्टोरेंट है, आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं, काफ़ी अच्छा खाना खिलाते हैं। फिर ऐसा जो खाने का सामान था लेके निकल गए थे घर के लिए। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते फिर आपसे कल, तब तक के लिए राम राम।